नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। सीधे ले चलते आपको देहरादून में, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। चलिए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हरेंद्र सिंह बिष्ट जी नैनीताल से, इसके बाद नैनीताल जनपद के लोग आ जाए। नैनीताल के हरेंद्र जी, मनोज चनौतिया जी नैनीताल से, विपिन चंद्र जोशी जी नैनीताल से, ओमपाल सिंह जी पौड़ी से, इसके बाद पौड़ी जनपद के लोग आ जाएं। पौड़ी से ही हरेंद्र सिंह जी, अर्जुन सिंह जी पौड़ी से, विमल सिंह जी रुद्रप्रयाग, पौड़ी के बाद रुद्रप्रयाग के लोग आ जाएं। श्रीमती कुसुम लता जी रुद्रप्रयाग से, सुभाष जी रुद्रप्रयाग से, इसके बाद टिहरी के लोग आ जाए। टिहरी सतपाल सिंह जी टिहरी से, टिहरी से आ जाए। टिहरी का है, आइए फटाफट एक बच्चा। भाग सिंह जी टिहरी से, नीरज बेलवाल जी उधम सिंह नगर से, टिहरी के बाद उधम सिंह नगर। अगर आगे पीछे हो जाए आप लोग बाद में एक्सचेंज कर लीजिएगा। टिहरी के बाद उधम सिंह नगर से दीपा कांडपाल जी, आइए बैठ। माया जोशी जी उधम सिंह नगर से, श्रीमती निर्मला सिंह जी उधम सिंह नगर से, श्रीमती सीमा जी उत्तरकाशी से, उधम सिंह नगर के बाद में उत्तरकाशी। श्रीमती सीमा जी उत्तरकाशी से, विनोद सिंह जी उत्तरकाशी, योगेंद्र सिंह जी उत्तरकाशी, अंबिक के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बेहतर समाज, एक बेहतर उत्तराखंड के निर्माण को। इसके बाद हमारे पर्यावरण मित्र आएंगे, पर्यावरण मित्र अंगद जी देहरादून से। हमारे पर्यावरण जो मित्र हैं, वे सभी लोग आ जाएं एक एक करके। अंगद देहरादून से, समस्त देहरादून के जितने पर्यावरण मित्र हैं वे लोग एक साथ आ जाएं। अंगद जी के बाद संजय जी देहरादून के पर्यावरण मित्र सबसे पहले आ जाएं, उसके बाद में ऋषिकेश के पर्यावरण मित्र कमलेश जी, देहरादून के बाद ऋषिकेश कमलेश जी, विनोद कुमार जी, संतोष गुसाई जी, राजेश जी ऋषिकेश के बाद, सबसे पहले देहरादून, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद काशीपुर के पर्यावरण मित्र आएंगे। ऋषिकेश के बाद में काशीपुर के राजेश जी, संजय जी, आलोक मियाल जी, काशीपुर के बाद पोखरी, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उससे निवेदन करूंगा। आप लोग जब जलपान करेंगे उस वक्त आप लोग आपस में चेंज कर लीजिएगा अगर किसी का बदल जाए। संजीव कुमार जी पोखरी से, इसके बाद पोखरी के लोग आ जाए। महावीर कुमार जी पोखरी से, आशीष चमोला जी पोखरी से, आशीष कुमार जी पोखरी से, पोखरी के बाद भीमताल के लोग आ जाए। पोखरी के सभी लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आइए। पोखरी के बाद भीमताल के लोग, संजय कुमार जी भीमताल से, प्रदीप कुमार जी भीमताल से, आइए आइए फटाफट आगे से आइए, आगे से आइएगा। और इसके बाद सुधीर कुमार जी भीमताल से, भीमताल के बाद ऊखीमठ जो नगर पंचायत है वहां से लोग आएंगे।
किंताल के बाद उखी भट्ट, कुलदीप सिंह जी, उसके बाद सुंदर जी उखी भट्ट से, उसके बाद नगर पंचायत झूलर भोज अमित कुमार जी उखी भट्ट के बाद में झूलर भोज, उसके बाद पंडित जी झूलर भोज से कमलेश चंद्र बिरवाल झूलर भोज, प्रेम सागर जी झूलर भोज से, इसके बाद जो नगर पंचायत अगस्त मुनि है अगस्त मुनि की से आएंगे सुमित जी, गुलशन जी, ब्रिजमोहन सिंह जी, घनश्याम जी, उसके बाद नगर पालिका परिषद चंबा पवन सिंहवाल जी, राजवीर सिंह पवार जी, सुश्री सरोज जी, दीपक जी, नरेंद्र नगर से सुनील कुमार जी, इसके बाद चंबा के बाद नरेंद्र नगर पड़ोसी आइए, नरेंद्र नगर से शोभा जी, विजय कुमार जी, महिपाल सिंह जी, नरेंद्र नगर के बाद में मुनि की रेती नगर पालिका परिषद महिपाल सिंह जी, माया राम जी मुनि की रेती, दीपक कुमार जी मुनि की रेती, उसके बाद नगर पालिका परिषद रामनगर के सभी लोग आ जाएं, श्री राजकुमार भारती जी, राकेश कुमार जी, धर्मेंद्र जी, सुनील कुमार जी, इसके बाद कंपटीशन जो हुआ था इनके शॉल ले आइए, अनुपमा गुप्ता जी शिक्षिका है एसजीआरआर देहरादून में, सिर्फ दो लोग हैं अनुपमा गुप्ता जी और तारा नौडियाल जी, अनुपमा गुप्ता जी और तारा नौडियाल जी, पेंटिंग कंपटीशन आपने करवाया था, आप लोगों को धन्यवाद, अनूप नौटियाल जी को भी सम्मानित करना था, आज वे यहाँ पे मौजूद नहीं है, एक बार जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आज टूरिज्म डे भी है, हमारा राज्य जो है टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो देहरादून से आप देख रहे थे सीएम धामी को, जहां पर आज वो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो सभी जिन्होंने भी पर्यावरण में अपने संरक्षण में जो है पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उन सभी को सर्टिफिकेट दिए गए हैं, सभी को सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। तो सीएम धामी को आप देख रहे थे देहरादून से, जहाँ पर आज सेवा पखवाड़ा 2022 कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे थे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून में, जहां पर सेवा पखवाड़ा 2022 के कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम धामी, जनसभा को संबोधित करते हैं, आइए आपको भी सुनाते हैं। मैंने कहा था कि ये कार्यक्रम एक मुख्य सहयोग संघ नहीं हम आयोजित कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम में हम देखना चाहते हैं, उन बच्चों को मिलना चाहते हैं, वास्तव में वो बच्चे किस प्रकार से उनका शिक्षण कार्य चल रहा है, किस प्रकार से उनका खेल का कार्यक्रम चल रहा है, किस प्रकार की अन्य गतिविधियाँ उन बच्चों के द्वारा हो रही हैं, और अपने सामने ही उनकी प्रतियोगिता होती, और प्रतियोगिता के बाद जो भी बच्चे उसमें भाग लेते हैं उन सभी के बीच में हम लोग रहकर खेल भी करते, लेकिन आप लोगों ने अलग से प्रतियोगिता करवाई है, जिन बच्चों ने भी इसमें भाग लिया है मैं उन सभी बच्चों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और सभी को अपना स्नेह भी देता हूं कि ये बच्चे आने वाले समय के हमारे जहां प्रदेश और देश के भविष्य हैं। चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता में जो भी बच्चे पुरस्कृत हुए हैं उन सभी बच्चों को
मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि जितने भी बच्चे आए हैं, जिन बच्चों को हम सब लोगों ने यहां से अभी सर्टिफिकेट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है कि जीवन में जो भी लोग आगे बढ़े हैं, जीवन में जिन्होंने भी धरती से आसमान को छूने का काम किया है, साधारण से असाधारण की यात्रा की है, वो सारे के सारे बहुत अभाव में रहे हैं, बहुत परेशानियों में रहे हैं, बहुत समस्याओं में रहे हैं। उन सभी के जीवन में बहुत कष्टों का समावेश रहा है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जहां संकल्प लिया, जहां उन्होंने लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, कठिन परिश्रम किया, मेहनत करी और ईमानदारी के साथ आगे लगे रहे, तो ऐसे सारे ही लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया है। एक इतिहास उन्होंने ही बनाया है जिन्होंने साधारण स्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन को जिया है या अपने जीवन को प्रारंभ किया है। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके जन्म दिवस से लेकर आज तक 2 अक्टूबर तक हम ये सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। वह भी एक व्यक्तित्व है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को प्रारंभ किया और आज वो केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वह भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी प्रकार से हम प्रोफेसर कलाम को सब लोग जानते हैं, हमारे ये बच्चे जो बैठे हैं, मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर चचा कलाम को जानते हैं आप सब लोग? एपीजे अब्दुल कलाम, आप लोगों ने अच्छे से नाम सुना था उनका? अभी राष्ट्रपति थे हमारे देश के, वो उससे पहले क्या थे? उससे पहले वो देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनको मिजाइल मैन भी कहते थे। मिजाइल मैन का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है ना? जिस जिसने सुना है जरा हाथ खड़ा करिए, और जिसने नीचे करिए, और जिसने नहीं सुना है जरा वो भी खड़ा करिए। चलिए, अब इन बच्चों को जिन्होंने हाथ खड़ा किया है अभी और जिन्होंने पहले किया है, तो इनको बता देना कि चचा कलाम कौन थे। ठीक है, बता दोगे ना? चचा कलाम एक मछुआरे के बेटे थे। चचा कलाम समुद्र के तट पर एक मछुआरे के घर में पैदा हुए थे। मछुआरा जानते हैं ना? मच्छी मारने वालों को क्या बोलते हैं? मच्छी पकड़ने वालों को क्या बोलते हैं? मछुआरा। तो एक मछुआरे के बेटे को स्कूल में जाने के लिए अच्छी ड्रेस भी नहीं मिल पाती थी, अच्छी किताबें भी नहीं मिल पाती थी, बैठने के लिए अच्छा स्कूल भी नहीं मिलता था। आजकल तो सभी जगह अच्छे स्कूल हो गए हैं। तब उनको जमीन पर बैठना पड़ता था और फर्श भी नहीं होती थी, बिना फर्श का कमरा होता था, और बोरी जो होती है ना जिसमें अनाज आता है, बोरी या खाद के कट्टे, ऐसे कट्टों का जो एक तरफ से फाड़ के ले जाते थे और उसी में वो बैठते थे। और उन्होंने वहां से अपने जीवन में संकल्प लिया कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे मां भारती के लिए कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे अपने जीवन को सफल और साकार करना है। तो उन्होंने कठिन साधना करी, कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम करते करते वो देश के वैज्ञानिक बन गए। और जब देश के वैज्ञानिक बन गए तो उन्होंने अनेकों अनुसंधान कर दिए, एक के बाद एक आविष्कार कर दिए। ऐसा करते करते वो देश के राष्ट्रपति भी बन गए, यानी कि समुद्र तट से राष्ट्रपति भवन तक की उन्होंने यात्रा करी। तो वो भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके जीवन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम सब लोग उनके जीवन से प्रेरणा लें
और अपने जीवन को उन्हीं रास्तों पर चलाएं जिन पर हमारे इन महापुरुषों ने अपने जीवन को सफल और साकार किया है। आज जिन स्वच्छता दूतों को उनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने जहां राज्य में स्वच्छता का एक नया इतिहास लिखा है, ये प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में, अभी जिसके बारे में यहां से गणेश जोशी जी ने भी और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी अपनी बात रखी कि हमारे शहरी क्षेत्र के चार निकायों को महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 1 अक्टूबर को सम्मानित किया जाएगा। मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भी उत्तराखंड राज्य ने 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। प्रदेश के इस सम्मान के लिए सभी स्वच्छता दूतों, शहरी विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जो भी इस काम से जुड़े हुए हैं, जो भी अपना योगदान दे रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बधाई। और यह भी सत्य है कि स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी हैं और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो आप सभी के बिना संभव नहीं हो पाता। अगर आज राज्य को स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार मिल रहा है तो निश्चित रूप से इसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, आप सबका परिश्रम है, आप सबकी लगन है। भारतीय संस्कृति और दर्शन में स्वच्छता हमेशा से ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह हमारे मूल्यों में भी है और हमारे संस्कारों में भी है और बचपन से ही आप सबके माता पिता भी आप सबको सिखा रहे होंगे। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि सवेरे उठकर किस प्रकार से हाथ मुंह धोना है, हाथ मुंह धोके स्नान करके अपना जलपान करके फिर विद्यालय जाना है, अपने को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे अपना जो बैग है जिसमें हम अपनी किताबें रखते हैं उसको किस प्रकार से रखना है, अपने कमरे के अंदर जो हमारे कपड़े हैं, हमारा सामान है, हमारी टेबल है, हमारे कमरे की सफाई है, वो किस प्रकार से करनी है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने बहुत ही सहजता से और सरलता से साफ सफाई के बारे तो देहरादून से आप सुन रहे थे सीएम धामी को, जहां पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हैं। हमने पढ़ा उसके बाद से लेट आया, लेट आया उसके बाद। तो हम लोग तख्ती में पढ़ते थे और तख्ती कैसे बनाई जाती है मैं थोड़ा आपको बता दूं। हम जब स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे, जो भी स्कूल में लिखा होता था उसको मिटाते थे। मिटाने के बाद जो सेल होते थे, सेल टॉर्च के सेल या रेडियो के सेल, उस समय में टेलीविजन नहीं होता था, रेडियो बजता था या टॉर्च बजती थी या लालटेन होता था। लालटेन का भी रोज जो है हमको उसका वो शीशा बीच वाला क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो बीच वाला जिसको साफ करते हैं अंदर, हाँ तो उसको साफ करते थे। और जो सेल जो है पूरे रेडियो में मतलब यूज हो जाते थे, उसके बाद उनको फोड़ते थे और फोड़ने के बाद जो काला निकलता था वो काले से पूरी तख्ती को काला करते थे, तख्ती पूरी काली हो जाती थी, घोटते थे, घोटना बाद में लगाते थे, पहले काला कर लिया रात में और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया रात भर। सवेरे उठते उठते सबसे पहले घोटा लगाते थे दवात से, शीशे की जो दवात होती थी उससे घोटा लगाते थे और घोटा लगाते लगाते वो इतना फिसलन जैसा हो जाता था कि वो आरसी बन जाता था। आरसी जानते हैं, हम लोग आरसी बोलते थे बचपन में, शीशे को आरसी बोलते हैं, किसी ने बोला पीछे से उस है? उसके बाद जो है दवात में खड़िया डालते थे, खड़िया को घोला और उस कलम, कलम होती थी
वो कलम से हम लोग लिखते थे। चौक भी बहुत बाद में आई, चौक तो जो है वो मास्टर जी लिखते थे हमारे गुरु जी लोग। और स्कूल में जब हम जाते थे तो हमको जो है कोई भी ये जैसे यहाँ बिछा हुआ है ऐसा कुछ नहीं होता था, वो फर्श भी नहीं होता था वहां। तो हम लोग जो है जो घर में खाद आती थी या जो बोरी में जिसमें धान गेहूं रखते थे उसका एक छोटा वाला फाड़ लेते थे, बल्कि वो ज्यादा अच्छा लगता था इसमें खाद आती थी क्योंकि वो ज्यादा भारी नहीं होता था, उसको ले जाते थे और उसको बिछाते थे कट्टा। और फिर उसको जो है जब स्कूल खत्म हो जाता था, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तो उसको बहुत अच्छे से मोड़ते मारते थे और फिर वापस घर लेके आते थे। टिफिन भी नहीं होता था हम लोगों के पास, बिना टिफिन के वो अपने जो घर से रोटी रोटी लेके जाते थे उसमें आलू के गुटके या कुछ बना के, वो भी हम लोग जो है बहुत संभाल के उसको बढ़िया तरीके से बंसीधर जी कोने में रखते थे, आपने तो पढ़ा होगा तकती में। तो सीएम धामी को आप देहरादून से सुन रहे थे, जहां पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंचे थे। तो अपने बचपन के दिनों को उन्होंने बताया, याद किया है, साथ ही जो वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे तो वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से संघर्ष किया जाता है जिंदगी में और किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।